और एडिपोसाइट्स का साइज बड़ा होता है जैसे जैसे फैट जमा होता है, और हम लाइपोसक्शन करके लिटरली उन एडिपोसाइट्स को निकाल ले रहे हैं। देखिए डॉक्टर साहब, फैट सेल्स वी ऑल नो रिमेंस कांस्टेंट इन आवर बॉडी सिंस वी आर बोर्न टिल वी डाई। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर परमजीत, और तो हमारे साथ हैं डॉक्टर रजत, जो कि इंडिया के वन ऑफ द टॉप मोस्ट प्लास्टिक सर्जन हैं, और आज हम इनसे ऐसे सवाल पूछेंगे जो आपके मन में आते होंगे। तो बहुत कॉमन प्रॉब्लम है इंडिया के अंदर, वो है मोटापा, राइट? और लिटरली ओबेसिटी का तो एपिडेमिक आ चुका है, और हर इंसान के लिए दो ही ऑप्शन होते हैं भाई, वो या तो काम पे ध्यान दे ले, कमाई कर ले, बच्चे संभाल ले, घर संभाल ले, जिम्मेदारी संभाल ले, या खुद पे ध्यान दे ले। और बहुत ज़्यादा लोग हैं जो नहीं कर पाते, जो डाइट नहीं कर पाते, जो एक्सरसाइज नहीं कर पाते। तो अल्टीमेटली ऐसे कई लोग हमारे पास भी आते हैं कि सर कोई दवा दे दो जिससे हम पतले हो जाए। आजकल ओजम्पिक वगैरह चल रहा है, कोई दवा दे दो। ओजम्पिक से भी एक्चुअली बहुत ज़्यादा एक्टिवली रिजल्ट नहीं आते इंडिया के अंदर, क्योंकि इंडिया में लोगों की डाइट ही बहुत बेबुनियाद है, और बहुत ज़्यादा अत मात्रा में लोग खाते पीते हैं। सो ओजम्पिक का एक छोटा सा इफेक्ट होता है, बहुत ज़्यादा मेजर मेरे कई पेशेंट्स ले रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं, थोड़ा बहुत वेट लॉस होता है, मगर ओजम्पिक इज़ नॉट रियली अ मैजिकल पिल, कोई बहुत ज़्यादा फायदा नहीं होता, ऊपर कॉस्टली भी बहुत ज़्यादा। एंड वी स्टिल डोंट नो लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स क्या होंगे। वी स्टिल डोंट नो लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स क्या होंगे। तो इट्स नॉट रियली रिकमेंडेड इन एवरी केस। जो लेना चाहते हैं, जो अफोर्ड कर सकते हैं, जो ट्राई करना चाहते हैं, दे कैन, बट इट्स नॉट रियली द बेस्ट वे। बट यस, पीपल वॉन्ट अ ईजी वे, पीपल डू वॉन्ट एन ईजी वे, एंड देर इज एन ईजी वे। लाइपोसक्शन इज एन ईजी वे, बट इट्स नॉट रियली एप्लीकेबल टू एवरीबडी। ये बहुत बड़ा पॉइंट है कि हर इंसान लाइपोसक्शन करा नहीं सकता, हर इंसान के लिए लाइपोसक्शन सेफ नहीं है, हर लेवल पे लाइपोसक्शन सेफ नहीं है। एक लिमिट तक ही आप फैट निकाल सकते हो। तो आपके पास ऐसे कई केस आते होंगे, कोई एक्टर, कोई नेता, कोई बड़ा इंसान जो भाई जिसको आप ना नहीं कह सकते, तो वो जब आपके पास आता है कि डॉक्टर साहब मुझे पतला होना है, मेरी चर्बी निकाल दो, तब आप क्या कहते हैं? देखिए, सबसे पहले तो ऐसा नहीं है कि ना नहीं कह सकते। अच्छा। अगर हमें लगता है कि सही नहीं है तो हम ना कहते हैं। बिल्कुल। ओबेसिटी का इलाज लाइपोसक्शन नहीं है, ये तो बड़ा क्लियर बात सबसे पहले मैं अंडरलाइन कर देता हूँ कि ये तो चैप्टर की हेडिंग मान लीजिए कि ओबेसिटी इज कैनॉट बी ट्रीटेड बाय लाइपोसक्शन। व्हाई? आई टेल यू। देखिए, ओबेसिटी की ना डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं डिपेंडिंग अपॉन बीएमआई। BMI कैसे होता है दर्शकों के लिए बता सकते हैं, वेट इन केजीज डिवाइडेड बाय हाइट इन सेंटीमीटर स्क्वायर। सो आप घर बैठे ही आप BMI अपना कोई भी कैलकुलेट कर सकते हैं, अपना आपका वेट और हाइट पता होना चाहिए। सो अगर आपका BMI 37.5 से ज़्यादा है, ये आमूमन तौर पे अगर किसी की हाइट 5'5", 5'7", 5'8" है, तो ये बात हुआ कि अगर आपका वेट 130-140 से ज़्यादा है, सो आपको बोला जाता है मॉर्बिडली ओबीस। कोई डेफिनेशन 40 से ऊपर BMI बोलती है, कोई डेफिनेशन 37.5 से ऊपर बोलती है। सो अगर आप मॉर्बिडली ओबीज कैटेगरी में आते हैं तो लाइपोसक्शन आपके लिए है ही नहीं, क्योंकि आपका जो मोटापा है वो आपका लाइपोसक्शन के एरिया का होता है। ऐसे केसेस, ऐसे पेशेंट्स मोटे चेहरे से, हाथ से, पेट से, थाई से, हर जगह से मोटे है ना, और जो ये फैट डिपोजिशन पे दिख रहा है, जो इंटरनल विसरल ऑर्गन्स पे जमा है, वेसल्स वगैरह पे जमा है, वो तो दिख नहीं रहा उनको। तो कहने का मतलब है लाइपोसक्शन सिर्फ बाहरी फैट निकाल सकता है, इंटरनल ऑर्गन्स के ऊपर जो फैट है वो नहीं निकालेगा। बिल्कुल नहीं निकाल सकता। तो इसीलिए बहुत ज्यादा मोटे लोग हैं तो लाइपोसक्शन उनमें है ही नहीं, करना ही नहीं है, करना ही नहीं है। उनके लिए एक अलग सर्जरीज होती है, बेरियाट्रिक सर्जरीज, वो एक अलग ही फील्ड है जो हम नहीं करते, प्लास्टिक वो अलग ही चीज है, जैसे वेट लॉस होता है काफी ज्यादा, वेट लॉस 40-50 तो वो अलग ही चीज है। अब आ जाते हैं उससे कम BMI पे, जिसको हम बोलते हैं ओवरवेट। सो दैट इज समथिंग अराउंड 10% मोर देन योर आइडियल बॉडी वेट आप मान लीजिए। वो पेशेंट्स या कुछ ऐसे लोग हैं जो फिट हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि कुछ एरिया रेजिस्टेंट फैट है, फ्लैंक्स हो गया, लव हैंडल्स, लोअर बैक हो गया, या चेस्ट हो गया, या कई कई लोगों के थाईज होती हैं, या कुछ फीमेल्स की सैडल बैग्स होते हैं, आउटर थाई होती हैं, वो अलग से निकल रहा होता है, तो वो रेजिस्टेंट फैट है जो कम नहीं हो रहा, या वो थोड़ा सा ज़्यादा है अपने एग्जिस्टिंग वेट से, उनके लिए लाइपोसक्शन अच्छा प्रोसीजर है। लेकिन विद अ कॉशन, वो आपकी डाइट, फिटनेस, एक्सरसाइज को रिप्लेस नहीं कर रहा। देखिए, आपने बोला बिजी रहते हैं, लेकिन अपनी फिटनेस पे समय निकालना हम लोगों की जिम्मेदारी है। तो आप कहना चाह रहे हैं कि अगर कोई इंसान जिसके सिर्फ लव हैंडल्स हैं, वो लाइपोसक्शन करा के एक अच्छा शेप हासिल कर लेता है, तो उसके लव हैंडल फिर वापस आ सकते हैं अगर वो सही से डाइट एक्सरसाइज नहीं करता। अगर कोई भी इंसान सोच रहा है कि ये सर्जरी या बेरियाट्रिक सर्जरी, कोई भी सर्जरी करा ले और उसके बाद रोज पिज्जा बिरयानी खाए और मोटा नहीं होगा, तो गलत है। फिटनेस इज समथिंग, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन इज समथिंग विच वी ऑल शुड वर्क ऑन। अगर हम लोग अपनी ज़िंदगी में अपने ऊपर हर रोज़ का आधा घंटा भी नहीं निकाल सकते अपनी फिटनेस के लिए, तो वो हमारी कमी है। हाँ, जहाँ से फैट निकाला जाता है वो एक बहुत लॉन्ग टर्म रिजल्ट रहता है। ऐसा नहीं है कि आप 6 महीने साल में वापस मोटे हो जाएंगे उस एरिया में, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, वो एरिया ऑलमोस्ट परमानेंटली रिडक्शन हो गई। लेकिन अगर आपको बहुत मेहनत करना चाहते हैं कि आप मेरे को मोटा होना है, तो आप हो सकते हैं। सो इट्स अ लॉन्ग टर्म रिजल्ट, बट यू कैनॉट से इट्स परमानेंट रिजल्ट, बिकॉज परमानेंसी डिपेंड्स अपॉन
हाउ यू आर रेडी इन योर माइंड टू कीप दैट रिजल्ट परमानेंट. नो लेट्स गेट इन टू द डेप्थ्स ऑफ इट. टेक्निकली हमारे जो फैट्स हैं इसमें लाइपोसाइट्स हमारे एडिपोसाइट्स हमारे जो सेल्स हैं और एडिपोसाइट्स का साइज बड़ा होता है जैसे जैसे फैट जमा होता है और हम लाइपोसक्शन करके लिटरली उन एडिपोसाइट्स को निकाल ले रहे हैं, फैट सेल्स को निकाल ले रहे हैं, नंबर ऑफ फैट सेल्स हम कम कर दे रहे हैं उस पर्टिकुलर एरिया के. तो अगर किसी ने अपने साइड्स के या एब्स के या पेट के या थाई के नंबर ऑफ एडिपोसाइट्स फैट सेल्स कम कर दिए हैं तब उसके इंडिविजुअल फैट सेल्स जो अब है तब भी बड़े हो सकते हैं. Exactly. लेकिन उनकी भी एक लिमिट है. सो देखिए डॉक्टर साहब, फैट सेल्स वी ऑल नो रिमेन्स कॉन्स्टेंट इन अवर बॉडी सिंस वी आर बॉर्न टिल वी डाई. करेक्ट. सो अगर किसी के सपोज एब्डोमेन में पेट पे 100 फैट सेल्स हैं जब वो पैदा हुआ था और आज जब वो 80-90 किलो का हो गया तब भी 100 ही हैं, लेकिन तब वो फैट सेल्स छोटे से थे अब वो बड़े बन गए. अब जब हमने लाइपोसक्शन किया वी रिमूव फैट सेल्स. दिखाते हैं आपको 2-3-4-5 लीटर जितना भी निकाला दिखाते हैं, यू कैन सी कितना फैट निकला. वो क्या है, वो सेल्स ही तो हैं. सेल्स हैं. तो सपोज हमने 70% फैट सेल्स निकाल दिए एब्डोमेन में से, 100% नहीं निकल सकते, वो तो 70-75% निकल गए. सो आपके जो बचे हुए 25% बचे वो परमानेंट रिडक्शन है. वो 25% कभी 26-30% हो ही नहीं सकते, वो परमानेंट रिडक्शन इन फैट सेल्स हो गया. सो दैट इज अ गुड थिंग आई थिंक फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव. इट इज परमानेंट. इट इज परमानेंट. तो अगर उस इंसान के बॉडी फैट लेवल बढ़ेगा भी तो एज कम्पेयर टू उसके एब्डोमेन या लैटरल्स या साइड्स हैं वहां पर तो कम फैट सेल्स हैं, उसके दूसरे पार्ट्स में थाइज में या उसके विसरा के पास दूसरी जगह पे फैट आएगा लेकिन उसका पास विजिबली वो फिर भी पहले से बेटर मिलेगा. बिल्कुल. तो ये जो 25 फैट सेल्स है ना ये थ्योरेटिकली साइज में तो बढ़ सकते हैं लेकिन आप सोचो कि कितना बढ़ जाएंगे कि 100 के जितने हो जाए, तो हो ही नहीं सकते. सो इट इज परमानेंट रिडक्शन, इसमें कोई डाउट नहीं है. लेकिन हम कई बार अगर इतना परमानेंट बोल देते हैं तो इंसान अपनी डाइट और लाइफस्टाइल को मॉडिफाई नहीं करता. वो बात अलग है. वो तो हम बिल्कुल सही है कि भाई परमानेंट पतला तो किसी को नहीं कर सकते. दी आइडिया इज कि देर आर मॉडल्स, देर आर एक्टर्स, देर आर पीपल जिनके लिए शर्टलेस रहना उनका काम है, उनकी कमाई है. शर्टलेस रहना या बीच पे जाना, और ऐसे लोग फिटनेस मॉडल्स हैं, बॉडी बिल्डर्स हैं जिनके लिए एक ऑफ सीजन या एक बार बीमार हो गए, कोविड हो गया, स्टेरॉइड लेना पड़ गया, इन चीज़ों के वजह से लिटरली उनके करियर 10-10-20 साल पीछे चले जाते हैं. उनके शरीर के ऊपर फैट सेल्स इतनी जल्दी किसी किसी के जेनेटिकली बहुत जल्दी बढ़ जाते हैं. तो ये एक एस्पेक्ट है लाइपोसक्शन जो उनके लिए बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया प्रोसीजर है. आपको मैं अनगिनत एग्जाम्पल बता सकता हूँ अपनी प्रैक्टिस में से कि पेशेंट कह रहे हैं कि जो हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, हम फिट होना चाह रहे हैं बट हमारे ये फैट सेल नहीं निकल रहे और मेरे को ये निकालने, और जैसे ही हमने निकाल दिया उनकी शेप तो ताबड़तोड़ डिफरेंट, बिल्कुल अमेजिंगली चेंज हो जाता है. ठीक है. एंड नाउ इट इज इजी टू मेंटेन. करेक्ट. क्योंकि आपके फैट सेल्स तो निकल गए, कम हो गए, आप मेंटेन बहुत आसानी से कर सकते हैं. तो दैट इज वाई वी से कि आवर रिजल्ट्स आर परमानेंट. बट साइंटिफिक वे भी आपको मैं बताना चाहता हूँ इसलिए बताया, लेकिन इट इज अ लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रोसीजर. लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाती है. बहुत से फीमेल्स हैं जिनके आउटर थाइज बहुत कॉमन है नॉर्थ इंडिया में, वो स्लैक्स जिम्स वगैरह जाते हैं, स्लैक्स पहनते हैं तो अलग से निकल रहा होता है, बहुत अजीब लगता है. वो सेल्स तो एक बार निकाल दिए, परमानेंट रिडक्शन है, वो दोबारा आ ही नहीं सकता. तो आपकी शेप पूरी चेंज हो गई. सो डॉक्टर साहब ये तो बहुत कॉमन चीज़ है, मतलब हर गली में कम से कम आधे से ज़्यादा लोग होंगे जिनका कहीं ना कहीं फैट ज़्यादा है. सो वाई दिस इज नॉट सो कॉमन? इट इज़ वेरी कॉमन. नो, वाई एवरीबडी इज नॉट डूइंग इट इफ इट इज सो गुड? बहुत सी धारणाएं होती हैं. बहुत से लोग सोचते हैं कि हम एक्सरसाइज करके ही निकाल लेंगे, लेकिन उनको समझ नहीं आता है रेजिस्टेंट फैट सेल्स हैं, उसको वो प्रायोरिटी नहीं देते. अगर प्रायोरिटी दे दी, समझ भी आ गए, तो किसके पास सर्जरी कराएं, ये समझ नहीं आता. क्या इस पे अपना खर्चा करने के लिए लोग रेडी हैं इसके बावजूद? अच्छा, इस पे कितना खर्चा हो जाता है? डिपेंड करता है, देखिए एरिया पे. एक क्या मिनिमम टू मैक्सिमम पकड़ लेते हैं. हाँ, मैं बता रहा हूँ टेक्नोलॉजीज ऑफ लाइपोसक्शन कौन कर रहा है, क्या क्या टेक्नोलॉजी यूज़ कर रही है. मॉडर्न टेक्नोलॉजी से रिकवरी बड़ी फास्ट होती है, बहुत अच्छे से फैट मेल्ट करके निकल जाता है. तो माइक्रोवेयर करके टेक्नोलॉजीज हैं साइंटिफिक. कौन सर्जन कर रहा है, उसका एक्सपीरियंस क्या है. पर अमूमन तौर पर अगर हम सिर्फ सपोज आउटर थाई की बात करते हैं अगर, तो बिटवीन 80,000 से लेकर 1.5 लाख का खर्चा आ सकता है. डिपेंड करता है कितना फैट है, कितना एक्सेस स्किन है. तो एक रफ आइडिया दिया आपको मैंने. सो ये एक सिंगल सेटिंग में हो जाता है? हाँ, एक सिंगल सेटिंग. और हॉस्पिटल स्टे कितना रहता है इसमें? नाउ ये डिपेंड करता है कितना फैट निकाला. ओके. हम अपनी प्रैक्टिस में करते हैं कि अगर लेस देन 3 लीटर फैट निकाला सो उसको एक डे केयर प्रोसीजर में करा जा सकता है. ओके. अगर 3 लीटर से ज्यादा निकालते हैं या उससे कम में भी निकालते हैं, पेशेंट वॉन्ट्स टू स्टे इन ओवरनाइट इन हॉस्पिटल नॉट फीलिंग कंफर्टेबल, तो रात को हॉस्पिटल में रखते हैं, एक नाइट का एडमिशन होता है, अगले दिन वो घर जा सकते हैं. सो मान लीजिए किसी के शरीर से हम 5-6 लीटर फैट निकालते हैं, तो शरीर में क्या बदलाव आते हैं इमीडिएटली और लॉन्ग टर्म? ओके. ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है क्योंकि बहुत लोग सोचते हैं कि जी फुल बॉडी लाइपोसक्शन कर दो आप, 20 लीटर निकाल दो, 22 लीटर निकाल दो, मेगा लाइपोसक्शन कहते हैं इसको. वो गलत है. अमेरिकन गाइडलाइंस बोलती हैं 10% इन लीटर्स ऑफ योर टोटल बॉडी वेट इन केजीज. हम अपनी प्रैक्टिस में रखते हैं इसको 7-8%, यानी अगर 80 किलो का इंसान है तो 6 लीटर हमारा अपर लिमिट हो गया निकालने. ये क्यों है?
इस ये समझना ही आपका सवाल का जवाब है कि इमीडिएट चेंजेस क्या होते हैं। बिल्कुल, देखिए फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट शिफ्टिंग होती है। सो आपने अगर स्किन और मसल्स के बीच का फैट निकाल दिया और इतना सारा निकाल दिया कि वो एरिया एक डेड स्पेस बन गया, तो बॉडी अपना इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड एक्स्ट्रावेस्कुलर स्पेस में फेंक देती है। सो आपका बीपी लो हो जाता है। आपने सुना होगा पुराने जमाने में, यहाँ से 20 साल पहले, कि किसी ने लाइपोसक्शन कराया, वो आईसीयू चला गया। वो यही होता था, इतना फैट निकाल दिया कि बीपी लो हो गया, क्योंकि फ्लूइड सारा एक्स्ट्रावेस्कुलर चला गया। आपने फ्लूइड पुश किया, 48 आवर्स में फ्लूइड वापस आया इंट्रावेस्कुलर में, पल्मोनरी एडिमा हो गया, फ्लूइड ओवरलोड हो गया, कार्डियोजेनिक शॉक हो गया। सो इसलिए अमाउंट ऑफ फैट रिमूवल इन अ डे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस प्रोसीजर को सेफ रखा जाए। अगर आप सही मात्रा में फैट निकाल रहे हैं, रिस्ट्रिक्टेड एरिया से निकाल रहे हैं और इन अ गुड हॉस्पिटल सेटिंग कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल सेफ प्रोसीजर है। तो जो इमीडिएट चेंजेस होते हैं वो बहुत मिनिस्क्यूल होते हैं, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती। सो अगर हम इस हिसाब से सोचें तो इंसान अगर हर 6 हफ्ते में एक बार लाइपोसक्शन करा लेता है तो वो अपना कितना भी फैट निकाल सकता है? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि हर एरिया से फैट निकालने की क्षमता होती है और हर एरिया से निकाला नहीं सकता। अब मेरे पास कोई आते हैं, जी मेरे को फोर आर्म लाइपोसक्शन करता है, फोर आर्म्स लाइपोसक्शन नहीं कर सकते। यहाँ पे स्किन और मसल्स के बीच में बहुत इंपॉर्टेंट नर्व्स वेसल्स जारी होती है, सो यहाँ नहीं करना है। आर्म्स में कर सकते हैं आप, बैक में कर सकते हैं, एब्डोमेन में कर सकते हैं, थाई में कर सकते हैं, ये कॉमन एरियाज हैं। अगर हम सिर्फ एब्डोमेन की बात करते हैं, कई लोगों की सिर्फ बेली है, पर वो इतनी है कि वो एक कंपैरिजन करते हैं जब वो देखते हैं कि बेरियाट्रिक सर्जरी के कंपैरिजन में या इस तरह की सर्जरी करने में मेरे लिए लॉन्ग टर्म रिस्क हैं, क्योंकि कई एब्जॉर्प्शन प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, मिनरल डेफिशिएंसी आ सकती है, और मैं अपने तरफ से मेहनत करके कुछ हद तक फैट कम कर सकता हूँ। मैंने कई बार किया है, मैंने 10 किलो 20 किलो में वजन कम कर लेता हूँ, लेकिन उससे ऊपर मुझसे नहीं होता, फिर मैं हार मान जाता हूँ और फिर खाने पीने लग जाता हूँ, फिर मेरे साथ गड़बड़ हो जाती है। उनको बेसिकली इम्पेटस चाहिए एक अच्छी शेप लाने का और फिर वो आगे कर सकते हैं, तो ऐसे बहुत पेशेंट्स हम करते हैं। तो ऐसे केस में फिर भी हमारे पास लिमिट है 6 किलो का, 6 लीटर का, और 6 लीटर हम निकाल के लेकिन वो उनको ऑप्टिमम रिजल्ट अचीव नहीं हो, तो ऐसे केस में हम उनका सेकंड थर्ड फोर्थ टाइम कर सकते हैं? कर सकते हैं, बिल्कुल वाजिब सवाल है, लेकिन इसको इतना कैजुअली लेके कि हर 6 हफ्ते आ जाओ और सर्जरी करा जाओ और पतले हो जाऊंगा, ये कहना भी ठीक नहीं है। ऐसे केसेस में हम उनका पूरा रोड मैप बनाते हैं कि जी आपका हम पहले सेटिंग में करेंगे लोअर बैक और फ्लैंक्स, फिर करेंगे एब्डोमेन एटलीस्ट आफ्टर 2 मंथ्स, और 2 या 3 सेशन करेंगे जिससे आपका टोटल शेप बदल जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ में उनको हम कुछ टारगेट्स भी देते हैं कि मैं तो इतना करूंगा, लेकिन इतना आपको भी करना पड़ेगा मेहनत, इतनी एक्सरसाइज आपको भी करनी पड़ेगी, इतना वेट लॉस आपको भी करना पड़ेगा। तो सेकंड सर्जरी से पहले उन्हें वेट लॉस करके आना होगा। बिल्कुल, टारगेट देते हैं कि आपको 3 किलो 4 किलो, अनरियलिस्टिक नहीं, ताकि मैं समझ पाऊं कि वो इंसान उतना ही मोटिवेटेड है और मेरी सर्जरी को एक कैजुअली इजी वे आउट तो नहीं ले रहा। एट द एंड ऑफ द डे वी वॉन्ट ऑल आवर पेशेंट्स टू बी हेल्दी एंड फिट। सो वो अगर वो उसको कैजुअली के लाइपोसक्शन आया, पैसे खर्चे, सर्जरी करा ली, पतला हो गया, लेकिन वो बहुत टेम्प्रेरी रह जाएगा। फिर हम चाहेंगे लॉन्ग टर्म के लिए एक मोटिवेटेड पेशेंट हो जो फिटनेस को इम्पोर्टेंट माने। सो टेक्निकली आपके पास पतले होने का इजी वे आउट है, लेकिन सिर्फ ऐसे लोगों को दिया जा सकता है जो वर्थ इट है। बिल्कुल, जो अपने आप के लिए समय निकाल सकते हैं, एफर्ट ले सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, सिर्फ ऐसे नहीं कि भाई मैं पैसा जितना मर्जी दे दो, उससे काम नहीं चलेगा।